सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। प्यारे लोगों, गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आँखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु की खोज में इधर उधर ढूंढता रहता था। परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट ना हो सकी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वरी जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच दो वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच में अनेक साधु महात्मा और अनेक संतों से मिलन हुआ। गंध बाबा, बाघ स्वामी, नागेंद्रनाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु और जगदीश चंद्र बोस, गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की दो भूमिकाएं थी। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष, जागृत के निरपेक्ष। मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुई। पलट कर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े से या उसके अभाव से ऐसा लग रहा था और ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याण कर और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग उसके हृदय का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा जो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है, जिससे मेरे जीवन ने उनके सामने एक स्फिंक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी
मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीबस के दिनों में था। कभी कभार एकाद अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मेरे दीर्घकाल तक अभ्यास किया। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतरण निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव मेरे जीवन का है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है। परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यता में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्ति और मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा जो हो रहे कीड़े में सना मानवीय मन असंख्य संसारिक माया और भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यहाँ युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है। जब मनुष्य पहली बार अपने अंत शत्रु का विरोध करता है ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। विषाक्त प्राण घातक अस्त्रों से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का निंद में भी पीछा करते हुए हम सबको धाराशाही कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। चरित्रहीन है वह मनुष्य जो सर्व सामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर क्या विभ्रांत किकर विमूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे फिर सीधा उत्तर देना टाल कर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार हैं, जो दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्रायः एक भी
सद्गुण नजर नहीं आता। इन दोनों में से एक साथ प्रेम करना प्रायः व्यक्ति को चकरा देता है, परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्यों की समानता कम से कम एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता का उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निराम कारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाले अपने जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। महाराजा और महाराज सब गुणों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था, जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की और अपने विचारों को चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा। वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होते देखेगा, तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मार्गों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि का ईश्वर का प्रेम खिलता है, तब वह जीव अपने अस्पष्टता की ओर मुड़ता है। किसी और बात के लिए नहीं तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु, क्यों दुख के मान मर्यादन कारी कोड़े खा खा कर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उस साधु और मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहाँ मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोजन ठहराया। ईंटे और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुनाई और सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर आगे, जहाँ भक्तों के झुंड का आवागमन चल रहा था। तुम अभी युवा हो, साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उसके महान उपदेश
आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। आपके अनुशासन नियम ना तो आज के लोकाचार के विरुद्ध है, ना ही ऐसा है कि भौतिकवाद की दुर्दता को भी कृत्रिम लगे, और इसलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं उससे भी कहीं अधिक काल से शास्त्रवादियों से संशयशील समय से और संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं इस वाक पट्टु साधु से सबने विदा ले रहा था तब उन्होंने एक अतिद्रिय अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरे एक रास्ते पर बड़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिसकी संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देने वाली अनंत काल का आलिंगन करती है। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा, उसने वचन दिया, यदि तुम जल्दी जल्दी मुझे हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में क्या क्या हुआ वह सब बता दो। परस्पर विरोधी बातें अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। यह भूखे भेड़ियों से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा, जितना अधिक मैं बताता जा रहा था उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। मन ही मन में जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का ज्वर फिर कहीं चढ़ न जाए इस भय से दुगनी गति से चलने लगा। उसके पीछे द्रुत गति की पदचाप सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझसे नहीं हुआ, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उसने और उनसे अवश्य मिलो, बड़े दिलचस्प आदमी है, तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। कालीघाट मंदिर में लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में कौंद उठी। कोतूहलवश मैं उस मकान के अंदर गया तो मुझे एक प्रशस्त दलान में ले जाया गया। वहाँ एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफी लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदरयुक्त फुसफुसाहट मेरे कानों में भटकाई। वहाँ जो चीते की खाल पर बैठे हैं
वही गंध बाबा हैं। वे किसी गंध हीन फूलों में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा, उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थिर हुई। वे कृष्ण वर्ण और स्थूल काय थे, उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थी। बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोले, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? किस लिए? मुझे उनकी बातें बचकानी सी लगी। चमत्कार पूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग तो उसमें क्या है? भगवान वैसे ही सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर बार ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर सकते? कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ तो सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। देवी शक्तियों से केवल सुगंध बनाने के लिए? हे महात्मन, तुझे तो लगता है और मुझे तो लगता है आपने 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध आपके साथ ही चली जाती है, मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसे सुगंध की कामना क्यों नहीं करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ बढ़ाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब तथा वस्तु। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब मेरी हथेली के मध्य में गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता से और तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास की एक फूलदानी से एक गंधहीन सफेद पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन पुष्प में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु। तत्क्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उसके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी।
उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण करने निर्मित और निर्माण नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलने में अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकटता, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। बाबा असामान्य है। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की ओर अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। गुरु का अक्षरण असामान्य होने और होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा। घूमते घूमते घर जाते हुए मैं उस दिन की तीन विविधतापूर्वक घटनाओं के विषय में सोच रहा था। मैंने जैसे ही घर के द्वार के अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। क्या बात है, आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो। बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध, और यह असाधारण रूप से तीव्र भी है। यह सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप देवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी कान के नीचे रखा। ओह, चमेली मुझे बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिए। जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जाती थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदनी लगने वाले संभ्रम के भाव प्रकट होते जाते थे। उसकी इस प्रक्रिया ने मेरे मन से रहा सहा संदेह भी मिटा दिया कि हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आत्मसंमोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे अपने एक मित्र अलंकानंद से पता लगा कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी है जो यदि संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती तो उसकी समस्या हल हो जाती। बर्द्वान में गंध बाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों में मैं भी उपस्थित था। अलकानंद ने मुझे बताया, एक उत्सव था, योगी वर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वह संतरों का मौसम नहीं था। तत्क्षण ही केले के पत्तों पर जो पुरियां परोसी गई थी वे सब फूल उठी। हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक एक छिला हुआ संतरा आ गया था। मैंने कुछ समय मन में अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बाद के बल में मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जानना और जान गया। खेद इस बात का है कि वह विधि विश्व के सुधार्थ मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। मानव को शब्द स्पर्श रस सुगंध गंध की जो विभिन्न इंद्रिया अनुभूतियां होती है वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती है।
उनके स्पंदनों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। वे पंच प्राण आण्विक ऊर्जाओं में भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञा युक्त पांच विशिष्ट संवेदी तमंत्राओं के और तमंत्राओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा कुछ योगिक पद्धतियों के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हैं। उनके गंध फल और अन्य चमत्कार केवल संवोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते हैं, बल्कि लौकिक स्पंदनों के वास्तव में मूर्त रूप होते थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी मोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों का प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती है, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए यह हानिकारक होती है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतरण में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अंधकार प्रवेश है। इसके अस्थाई आभासों में से ईश्वरानुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विशिष्ट और विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न दृष्टि में परिवर्तन करते हैं। गंध बाबा जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, वैसा चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अंततः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पथ च्युत कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्धियों ने निंदा की है। फारस के संत अबू सईद ने जल हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। मेढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था, चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, शैतान पूर्ण में भी है, पश्चिम में भी है। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलता। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था, अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना, हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना, ना तो काली घाट के निष्प्रिय महात्मा और ना तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। किसी का आध्यात्मिक स्तर
पहचानने में मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदांत व्यक्तित्व का सामना होता तब वह धन्य धन्य कर उठता। वह धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि यह कभी कभार ही और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अच्युतता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया।